तो बच्चों हम लोग क्लास 7 का 9वां पाठ विमानयानम रचयाम, विमानयानम रचयाम का अध्ययन करेंगे। और वैसे तो आपका क्लास 7 का संस्कृत समाप्त तो हो गया है। जो कुछ बच्चों के पास पुरानी बुक है तो उसमें उनके में चैप्टर चेंज था, ठीक। तो आज मैं जो चेंज चैप्टर है उसको भी कंप्लीट कर दे रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों की शिकायत आ रही है कि सर हमारी बुक में जो आपने पढ़ाया वो नहीं था, ठीक। तो जो बच्चे पढ़ लिए हैं वो चिंता नहीं करेंगे, उनके पास जो नई वाली बुक है उनको उसी से पढ़ना है। और जिन बच्चों के पास पुरानी वाली बुक है, जिन बच्चों के पास पुरानी वाली बुक है उसमें ये मिलेगा, बाकी नई वाली बुक में आपको ये नहीं मिलेगा, ठीक। तो यहाँ पर है विमान यानम रचयाम, मतलब हवाई जहाज की रचना या हवाई जहाज बनाए, ठीक, उसे हमें पढ़ना है। राघव माधव सीते ललते विमान यानम रचयाम, नीले गगने विपुले विमले वायु वायु विहारम करवाम, ठीक। अब यहां पर कह रहे हैं कि हे राघव, हे माधव, हे सीते, हे ललिते, आओ विमान यानम रचयाम, हवाई जहाज की रचना करें, ठीक। कह रहे हैं कि हे राघव, हे माधव, हे सीते, हे ललिते, आओ हवाई जहाज की रचना करें। नीले गगने विपुले विमले वायु विहारम करवाम, कह रहे कि नीले गगने आकाश में, कैसे, विपुले विस्तृत, विमले निर्मल, कह रहे कि नीले विस्तृत और निर्मल मतलब साफ आकाश में वायु विहारम करवाम, क्या करें, वायु यात्रा करें, ठीक। करें कि हे राघव माधव सीते ललिते, आओ हवाई जहाज की रचना करें, नीले विस्तृत निर्मल आकाश में वायु यात्रा करें, ठीक। फिर आगे उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम क्रांतावकाशम खलुयाम कृत्वा हिमवंतम सोपानम चा चंद्रलोकम प्रविशाम। अब देखिए उन्नत वृक्षम, कह रहे हैं कि ऊंचे वृक्ष की, तुंग भवनम ऊंचे भवन को, कह रहे हैं कि ऊंचे वृक्ष को, ऊंचे भवन को, क्रांतावकाशम, क्रांतावकाशम मतलब आकाश, मतलब आकाश के मतलब पार करके, किसको, आकाशम आकाश को, कह रहे हैं कि आकाश को पार करके क्या करें, खलुयाम निश्चय निश्चय ही चले, खलु मतलब निश्चय, याम मतलब चले, कह रहे कि ऊंचे वृक्ष को, ऊंचे भवन को पार करके आकाश में निश्चय ही चलें। कृत्वा हिमवंतम सोपानम, हिमवंतम मतलब हिमालय, असोपानम मतलब सीढ़ी, अकृत्वा मतलब करके, ठीक, मतलब बनाकर, कह रहे कि हिमालय को सीढ़ी बनाकर चंद्रलोकम प्रविशाम, चंद्रलोक में प्रवेश करें, ठीक। कह रहे कि हिमालय को सीढ़ी बनाकर चंद्रलोक में प्रवेश करें। शुक्र चंद्र सूर्यो गुरु गुरु इति ग्रहान इति ग्रहान ही सर्वान गणयाम विविधा सुंदर तारा ताराश्चत्वा मौक्तिम हारम रचयाम, ठीक। कह रहे कि शुक्र चंद्र, शुक्र चंद्रमा सूर्य गुरु, ठीक, कह रहे कि शुक्र चंद्र सूर्य गुरु ग्रहान ही सर्वान, कह रहे कि सभी ग्रहों को क्या करें, गणयाम गिने, ठीक। कह रहे कि शुक्र चंद्र सूर्य गुरु सभी ग्रहों को गिने, विविधा सुंदर तारा चित्वा, कह रहे कि और अनेक सुंदर ताराओं को चुनकर मोक्ति हारम रचयाम, मोतियों की माला या मोतियों का हार बनाएं, ठीक, मोतियों का हार रचें या मोतियों का हार बनाएं। देखिए कह रहे कि विविधा सुंदर ताराश्चित्वा मोक्तिक हारम रचयाम, कह रहे कि सुंदर ताराओं को चुनकर और मोतियों का हार बनाए। अम्बुदमालाम अम्बरभूषाम आदाय एव हि प्रतियाम दुखित पीड़ित कृषक जनानाम गृहेषु हर्षम जनयाम, ठीक। देखिए कह रहे कि अम्बुदमालाम, कह रहे कि मेघ माला को, मतलब बादलों की माला को, अम्बुद, ठीक, अम्बु होता है तो पानी, दा जुड़ गया तो बादल और जा होता तो कमल, ठीक। तो अम्बुद माला मतलब मेघ माला को, बादल
तो बादल माला बोलना ज्यादा नहीं सही रहेगा, तो मेघमाला ही। मेघमाला को तथा अंबर भूषाम और आकाश की शोभा को आदा एव लेकर ही क्या करें, प्रतियाम लौटें। याम मतलब होता है चले, प्रतियाम मतलब होता है वापस आ जाना। ठीक, तो कह रहे हैं कि मेघमाला को तथा आकाश की शोभा को लेकर ही वापस लौटें। दुखित पीड़ित कृषक जनानाम गृहेषु हर्षम जनयाम, करें कि दुखित दुखी पीड़ित, करें कि दुखी पीड़ित कृषक जनानाम और कृषक लोगों के गृहेषु घरों में हर्षम जनयाम, हर्ष उत्पन्न करें। करें कि दुखी किसान लोगों के घरों में हर्ष उत्पन्न करें। ठीक, तो ये आपका जो एक चैप्टर बचा हुआ था, बचा क्या था, ये आपका पुरानी वाली बुक में था, तो इसको भी मैंने कंप्लीट किया, तो आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद अब हम आपसे क्लास 7 की संस्कृत जो है, इसमें हम 2 दिन बाद से वीडियो डालना शुरू करेंगे, और वो भी एक्सरसाइज। ठीक, 2 दिन बाद से एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपकी इंग्लिश की क्लास कंटिन्यू करेंगे। ठीक।